तारक महमूद जी का स्टेज पे कहूंगा कि वो आए और उनका इनको सम्मानित किया जाए। याकूब फानी साहब बहुत अच्छे मीडिया पर्सन है, पूरे मीडिया हजरात का हम धन्यवाद करते हैं। ये याकूब फानी साहब के लिए तालियां बजाएंगे। और हमारी पुंछ की जो टीम आई हुई है साथ में हमारे जम्मू से स्पोर्ट्स पर्सन सुनील गुप्ता जी और हमारे जिला के प्रभारी श्री रविंद्रजीत सिंह जी और बाकी जितनी भी हमारी टीम है मेडल मंडल की, इन सब की तरफ से हमारे जितने भी जर्नलिस्ट हैं और बाकी भी साथी हैं, मैं सबका वेलकम करता हूं जिन्होंने इस कोरोना वायरस में बढ़ चढ़ कर अपने लोगों की सेवा की। और मैं कहता हूं कि जितना ख्याल इन्होंने मीडिया वालों ने रखा इतना हम में से किसी ने नहीं रखा। आज मैं अपनी टीम की तरफ से इन सब को सम्मानित करने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले हमारे यहाँ के सीनियर जर्नलिस्ट MS नाजकी साहब से कहूंगा कि वो आए स्टेज पे और रविंद्रजीत सिंह जी से कहूंगा कि वो इनको सम्मानित करें। के अंदर जिस तरह से मीडिया ने बहादुरी के साथ यहां रिपोर्टिंग की, हर समय अपनी जान को जोखिम में डालकर काम किया, मैं समझता हूं कि हमारा फर्ज बनता था कि हमारे जो मीडिया जो इस डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है, जो हर पॉजिटिव न्यूज को लेकर आगे जाते हैं, इनको सम्मानित करना हमारा फर्ज बनता था, जिसके लिए आज हमने यहां को मीडिया के हमारे भाई उनको सम्मानित किया। सबसे जो बड़ी बात है जो हमारा मीडिया जो जिला पुंछ का है, मैं पूरे पुंछ की बात करूंगा, इन्होंने सबने एक पॉजिटिव रिपोर्टिंग की थी। जैसे पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक नेगेटिव रिपोर्टिंग की गई ना इस कोरोना काल के अंदर, लोगों को डराया गया, लेकिन हमारे जो पुंछ खासकर मेंढर के जो हमारे मीडिया के प्रभारी हैं, इन्होंने पॉजिटिव रिपोर्टिंग करके लोगों का मनोबल बढ़ाया, चाहे वो वैक्सीन लगाने का काम हो, चाहे टेस्टिंग का काम हो, हर काम में मीडिया ने आगे बढ़कर इसको अपना काम समझकर किया है, इसलिए आज हमने उनको सम्मानित किया। आप देखेंगे कि जो हमारा जिला है यहाँ समस्या ही समस्या है, बॉर्डर के ऊपर शेलिंग होती है, बॉर्डर के ऊपर कुछ होता है, तो हमारा मीडिया के सभी कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर उसको कवरेज करते हैं। लेकिन मैं दिल की गहराइयों से अपने मीडिया कर्मचारियों का स्वागत करना चाहता हूं कि उन्होंने पॉजिटिव होकर रिपोर्टिंग की है, ये मीडिया की एक बहुत अच्छी बड़ी बात है। ये तो होता क्या है कि मीडिया अपने लिए नेगेटिव रिपोर्टिंग करता है, उससे लोगों के अंदर भ्रम और भ्रांतियां फैलती हैं। इसलिए मैं जितने मेरे भाई हैं सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूं और ये तमन्ना करता हूं कि आप खूब तरक्की करो, फलो फूलो और नेशनल लेवल पर अपना नाम कमाओ, यही मेरी दिल की दुआ है।